तो वही उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बीजेपी विधायक रोशनलाल वर्मा ने डीएम ऑफिस में हुई हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष ने उन्हें कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी विधायक गिरफ्तार किए गए, जिन लोगों को बेकसूर बताकर छोड़ने का प्रयास वो करवा रहे हैं, वो लोग गोक्षी में पकड़े गए थे और हिंदू युवा वाहिनी किसी भी हाल में किसी भी गोक्षी करने वालों को माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि गौ सेवक योगी सरकार है, यहाँ गोक्षी करने वालों को बचाने के लिए कोई भी सामने उतरे उसका विरोध किया जाए। सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली कि निगोई थाना क्षेत्र के अंतर्गत दो युवकों को गिरफ्तार किया गया, जो कि पूरी तरीके से गौ घसी में लिप्त पाए गए थे। मौके वारदात पर पुलिस ने उनको पकड़ा, हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। उसके साथ ही उसी तरफ मुझको जानकारी दी गई कि भाजपा विधायक ने जाके उन्हीं युवकों को छुड़ाने के लिए एसपी ऑफिस व डीएम कार्यालय में जाके बवाल करा, ज्ञापन दिया, जो कि योगी सरकार में पूर्णतः गलत है। योगी सरकार गौ सेवा के नाम से जानी जाती है, ना कि गौ कशी के नाम से। तो मैं पहली बात और आखिरी बात यही कहना चाहूँगा कि गौ सेवा के बीच में अगर कोई आता है तो उसको पहले योगी सेवकों से निपटना पड़ेगा, योगी सेना से निपटना पड़ेगा। और हिंदू युवा वाहिनी हमेशा गौ कशी के खिलाफ रही है। उठाने के बाद उन्हें थाने लाए, मैंने शिकायत एसपी स्थित की। एसपी स्थित ने खुद कहा कि इनको जो है निर्दोष छोड़ देना, उनके एसपी स्थित के साथ मैं छोड़ दूंगा। लेकिन एसपी स्थित की बात ना मानते हुए, मेरी भी ना बात ना मानते हुए उन निर्दोष लोगों को गंभीर धाराओं में जेल भेजा है। ऐसी स्थिति जो पुलिस की अंग्रेजों वाला शासन कतई चलने नहीं दिया जाए, पहले हम इनकी शिकायत करेंगे और शिकायत करने के बाद डीजीपी से बात करेंगे, सारे अधिकारियों से बात करने के बाद भले ही चाहें हमें कोई भी कदम उठाना पड़ेगा, ये अंग्रेजों वाला शासन नहीं चलने देंगे पुलिस, और हमें कोई भी कदम उठाना पड़े हम न्याय दिला के रहेंगे, निर्दोष लोगों को जेल नहीं भिजवाने देंगे।